सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग इन मेचुका, एंड ये रहा होम स्टे। और यहाँ का व्यू देख सकते हो, होम स्टे का प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर सा है। एंड टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन मेचुका, एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेचुका का ट्रिप ख़त्म होने वाला है, और ये जो होम स्टे है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होम स्टे है, तागिन होम स्टे है। आप लोग अगर आ रहे हो तो मेचुका साइड यहाँ पर रह सकते हो, एकदम होमली वाला फील होगा आपको। जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही था। सच में अगर मैं नेक्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मैं यहीं पर डेफिनेटली रहूँगा, और आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग आएंगे तो इस होम स्टे में ज़रूर स्टे कीजिए। खाना रूम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और हाइजीन है। और यहाँ पे है हमारा क्यूट सा लड़की जो हमें वेट कर रहा है, सुमन। एक बार हाय कर दो ऐसे, हाय। हाँ चलो, थैंक यू। ऑल राइट, सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय मेचुका। बहुत ही अच्छा मेमोरीज हम लोग लेके जा रहे हैं, और कुछ अच्छे अच्छे फैमिली मेम्बर भी बना चुके हैं। भैया है कि नहीं? हाय रुक, नहीं है। आ, वो तो ओ भैया को बोलना हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा टाउन है ये, और कल शाम को थोड़ा बारिश हुआ था, लेकिन अभी वेदर क्लियर है। ये है एक स्टुपा काइंड ऑफ गुम्पा, और ये है SBI मेचुका का। मेचुका अगर आप लोग आना चाहते हो तो मेक श्योर आप लोग अपने पास कैश कैरी करना, जितना हो सके कैश कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे ATM का बहुत ज़्यादा इशू है, कैश का भी थोड़ा इशू है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका मोबाइल का नेटवर्क। यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क कुछ भी नहीं है, ना एयरटेल है, ना वोडाफोन है, ना जियो है, सिर्फ BSNL है। और BSNL भी यहाँ पे कोई कोई जगह में काम नहीं करता है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो आपके पास एक BSNL का सिम रहना चाहिए, और BSNL भी आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ होगा, इंटरनेट के लिए कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है। इंटरनेट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग वाईफाई, जो सैटेलाइट वाईफाई है, उसे यूज़ करते हैं, जो ऑफिस वगैरह में वाईफाई सैटेलाइट यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द गेट ऑफ द मेचुका टाउन, एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय। तो मेचुका टाउन क्रॉस करते ही रोड का कंडीशन कुछ इस तरह का है। जिस दिन मैं आया था उस दिन रात हो गया, तो मैं इतना अच्छे से आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। अभी यहाँ पे रोड का काम चालू है, तो उसी की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और आगे तो बहुत खतरनाक खतरनाक वाला पैच है। और पहाड़ कटिंग भी कर रहा है BRO यहाँ पे, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो लोग हैं उसको थोड़ा सा राहत मिल जाए, टाइम थोड़ा सा बच जाए। क्योंकि ऐसे रोड में 200 किलोमीटर्स मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 8 आवर्स 9 आवर्स जैसा लग जाता है बस 200 किलोमीटर्स के लिए। फटाफट जल्दी से अगर ये रास्ता कंप्लीट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा सबके लिए। और आज का टोटल डिस्टेंस होगा 130 प्लस, यहाँ से आलो तक 180, तो 370 या 380 किलोमीटर से आज का टोटल डिस्टेंस। लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर जा रहे हैं हम लोग आज। अभी 6:35 हो चुका है, और यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि एक दो पॉइंट है वहाँ पे आपका रोड कटिंग चलता है, सो उसी की वजह से 9 बजे तक रास्ता जो है वो थोड़ा बंद कर देता है, कितना 2-3 घंटा के लिए। सो वो पॉइंट हमें जल्दी से क्रॉस करना पड़ेगा, तातो से पहले या तातो के बाद ये रोड कटिंग मिलता है। सो वो जल्दी हमें फटाफट कवर करना है। टाटो इज़ लाइक 47 किलोमीटर्स, तो 47 किलोमीटर्स हमें 2 घंटा पकड़ लीजिए ये रोड के हिसाब से। स्पीड तो 30 मैक्सिमम, 30 के ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। पहले दिन जब आए थे ये तो पूरा मतलब स्लश था, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। रोड कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी इस राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ये एक एक्सपीरियंस मिला है। इतना डेंजरस माउंटेन को क्रॉस करके, ख़राब रास्ता ये सब क्रॉस करके हम लोग एक ब्यूटीफुल से टाउन में पहुँच चुके हैं। तो इमेजिन कीजिए कितना अच्छा फील होगा।
अब जब आओगे तो तभी आप लोग ये एक्सपीरियंस फील कर पाओगे। मैं जितना भी बोलूँगा उतना ही कम है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जब आओगे तभी आपको रियल ब्यूटी ऑफ मेचुका एंड जो फील है वो आपको पता चलेगा। मेरा बाइक का हालत तो बहुत ख़राब हो गया है। एक फोकलाइट मेरा टूट गया, जो क्लेम था वो निकल गया, मतलब टूट गया। कैसे टूटा वो मुझे भी पता नहीं। और मेरा टायर थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो उसी की वजह से थोड़ा सा मुझे चलाने में मुश्किल हो रहा है, मतलब तकलीफ़ हो रहा है। और मेरे पास प्लेन भी है तो थोड़ा सा ये हाथों में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। धूप पूरा प्रॉपरली निकल चुका है, अभी थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे तो गर्म लगना शुरू होते जाएगा धीरे धीरे। मैं मेचुका पूरा एकदम परफेक्ट टाइम में आया हूँ। तो बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आप कब गए कब गए। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं आया था जनवरी का लास्ट वीक, आफ्टर 25 यस। मेरा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बोल दिया। दिस इज द ह्यूज वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है सिकोडिडो वाटरफॉल। यहाँ पे मैगी आ चुका है हम लोग का। ओ तुम्हें खाला है पिता है तुम्हें किंतु खुआ एक नंबर है सदे। तो 55 किलोमीटर हो चुका है और ये देख सकते हो आलोंग 126 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 55 किलोमीटर 2.5 hours। ओह माय गॉड, सो कुछ इस तरह का हालत हो गया है मेरा बाइक का। ये देखो पूरा कीचड़ कीचड़ कीचड़। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ पे हैं कुछ आइडिया नहीं है, बस यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखा है, आगे कुछ काम चल रहा है। एक घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, 12 बजे को खुलेगा बोले। अभी 11 बज चुका है, तो एक घंटा हम लोग यहाँ बस आराम वाराम करेंगे, फिर चिल मारेंगे और क्या करेंगे, कुछ काम नहीं है। पूरा रास्ता यहाँ पे जाम लगा हुआ है पूरा, पूरा लाइन है गाड़ी। सबका हालत ख़राब हो गया है, ड्रेस का हालत पूरा चमक गया है, ब्लैक से पूरा वाइट हो गया है। सो वी आर लुकिंग लाइक ब्लैक एंड वाइट। तो जहाँ पे रोड कटिंग वगैरह चल रहा था वो हम लोग ने शायद कवर कर लिया है, अभी और नहीं होगा शायद आगे रोड कटिंग वगैरह। यहाँ से तो रास्ता अच्छा ही दिख रहा है। चलो चलो बैठो बैठो। और मेरा पीछे का टायर पंचर हो गया, हवा जा रहा है पीछे का टायर से। तो ये टर्निंग वगैरह में मुझे थोड़ा बाइक को टर्न लेने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड है, यहाँ पे अगर बाइक कुछ भी ब्रेकडाउन हो गया ना तो बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आप अगर मेचुका साइड आ रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके आना। अभी आगे जाके शायद मोबाइल का नेटवर्क आ जाना चाहिए, मैंने अभी तक मोबाइल चेक नहीं किया है। अगर नेटवर्क आ गया तो सही है। हाँ मेरा टायर गया, टायर को पता चल रहा है, टर्न वगैरह में डिसबैलेंस हो रहा है बाइक। बस कुछ देर और चल मेरी ड्यूक, बस कुछ देर और। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आलो, टाइम हो चुका है 2:20। सो अच्छे टाइम में पहुंच चुके हैं हम लोग। और अभी यहाँ से शिला पत्थर है 145 किलोमीटर्स, पासीघाट 108। हम लोग आए थे पासीघाट होके और अभी हम लोग जाएंगे शिला पत्थर होके। All right guys, so we have done our lunch kind of, एक हम लोग ने एक लंच कर लिया यहाँ पे आलो में, और मैंने फिलअप भी कर लिया। और अभी टाइम रखा है 4:00 इन द इवनिंग एंड वी आर कंटिन्यू आवर जर्नी। सो द डिस्टेंस इज
234 किलोमीटर्स फ्रॉम आलो टू लखीमपुर और टाइम बोल रहा है 6.5 आवर्स तो लेट्स सी 7.5 आवर्स पकड़ लेता हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें पहुँच जाना चाहिए लखीमपुर अराउंड 12:30 ऐसा को पहुँच जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी पूरा कम्प्लीटली डार्क हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है 5:45। दिस इज कॉल अरुणाचल प्रदेश। सो गाइस अभी हम लोग कहाँ है पता नहीं, रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डेडली रोड है ये और रात का समय हो चुका है, कुछ भी इतना अच्छे से विजिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है ये, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे, मुझे पैर अपना उतार उतार के चलना पड़ रहा है। कैसन गिरा हेडलाइट तो भागी गई। तुम रुपये से नहीं गए हाँ, क्लास 9 है ऊपर को। और हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं, मेरे दोस्त भी अपने घर एकदम सेफली पहुंच चुके हैं और मेचुका का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज हम लोग ने वहाँ से कलेक्ट करके लाए अपने घर तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेचुका सीरीज़ पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सो विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज राइट सेफ। दिस इज डी मोटो ब्लॉग साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट ट्रिप एडवेंचर में। तब तक के लिए बाय बाय।